तेरा ये दाद लेके मेरे दिल को मुंतकिल कर रहा है। जमीन कर्बला दिल है, जमीन मक्का चेहरा है, इसीलिए जाहिर सजदा मक्के को होता है। सजदा इसलिए नहीं कि वो दिल है, अभी शऊर में वो आ गई नहीं कि कर्बला को सजदा हो। इंतजार है कर्बला को किसी की आमद का। चेहरा है जमीनों का, इसलिए नमाजी सजदा करता है उसे, और ये सजदे लेके देती है कर्बला को। ये फैसला लाहौर वालों को करना है, जिसके बेटे की धरती सजदे की हकदार है वो खुद नमाज में आने के लायक नहीं है। मैंने कुतुबे इल्मैन में पढ़ रखा है, अगर मैं आज जाहिर कर दूं जर्ब छलक जाएंगे। लिहाजा ठंडी सांस लेके मैंने उसे दिल में दबा लिया। समय में आ गई बात दोस्तों? हाँ, तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह भी यही कुछ है। अल्लाह बिस्मिल्लाह में दिल है, इस्म चेहरा है। डॉक्टर सलमान कुछ सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे। हर शय का पस्त तरीन वजूद होता है, वजूद मकतूबी, और आला तरीन वजूद होता है वजूद हकीकी। आप कागज पे लिख दें गजनफर और मिंबर पे इतना मोटा लगा दें, सारी रात आप उसके सामने बैठे रहें, तकरीर नहीं होगी। समझ में आ रही है? क्यों? ये गजनफर का पस्त तरीन वजूद है, लिखा हुआ, किस तरीन के साथ पेश करा, कोई ना बोल सकता है ना, आप तक इल्म मुंतकिल कर सकता है, जब तक हकीकी गजनफर मिंबर पे ना आए। हाँ हाँ, लफ्जों में शायद था आया हुआ वजूद, इससे बुलंद होता है। ये जो तुम्हारे घरों में लिखा हुआ कुरान पढ़ा है, ये कुरान के तनज़ुल का आखिरी तरीन दर्जा है। देखो आखिरी दर्जा रब काबा की कसम, मेरे जिस्म में लर्जिश है इस वक्त भी। गुजरात गया, वहां पढ़ी, फिर सियालकोट आया, वहां पढ़ी, हाँ सफर किया, कहते ये तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से। अपने ऊपर जबर करते हुए थकन जाहिर करोगे तो मैं तो फिर बहाना ढूंढ रहा हूं। अब दलील ये है, कौन सा घर है जिसमें कुरान नहीं? तो नकवी साहब वजह क्या है? बीमार पर आयते आप पढ़ के क्यों फूंकते हैं? भाई जो घर में पड़ा है वो वजूद मखदूबी है, जो पढ़ के फूंक रहे हो ये मलफूजी है। जो लोहे महफूज में है वो जहूर का वजूद हकीकी है।
और हकीकी कुरान लदुल इलाही में। अब जहन में रखना है सबसे बस वजूद क्या होता है, लिखा हुआ। आओ लाहौर वालों में वक्त याद दिलाओ, बाजार मिस्र में मलादी हो रही है, कल यूसुफ बिकेगा। बैठे हो चले गए हो, कल यूसुफ नीलाम होगा अजीज मिस्र तक, बादशाह मिस्र तक। लेकिन भाई खबर पहुंची, एक गुलाम बिकने को आया, बशर होकर भी बशर लगता नहीं, पैकर बशरी में है कोई अजीब और गरीब चीज। अजीज मिस्र बाजार में आया, देखा था काफिर, मोहब्बत यूसुफ मौजज़ा हुई, हुज्जत से प्यार काफिर भी करे तो सिला मिलके रहता है। जी बादशाह था, बोली दे दी, तोड़ के लूंगा सोना चांदी हीरे जवाहर। अब कान बोली बढ़ाए, तराजू के एक पल्ले में यूसुफ बैठ गया, दूसरे में खजाने आना शुरू है। बोले खोल इसी जुमले की रोशनी में फैसला करना है। हाँ, अगर इंसाफ न हुआ तो समेट के यही मैंने मसाइल शुरू कर देना है, बाकी बात फिर कल अगर मौला ने चाहा तो होगा। क्योंकि रेत पे कीचड़ पे मोती निछावर करने को मेरे मौला अली ने भी मुझे रोका है। मेरे मौला का फरमान है कि ला तत्रा दुर्रन पे किलाब, कभी कीचड़ में मोती निछावर मत करो। कुत खरीद होगी तो फिर बात चलती रहेगी। खजाने चांदी सोना हीरे जवाहरात इल्माज नीलम याकूत, खजाना दार ने अजीज मिस्र के कान में सरगोशी की, हुजूर खजाने सारी चांदी आ गई, सारा सोना आ गया, सारे जवाहर आ गए, सारे हीरे इल्माज खत्म हो गए, चेहरा उतर गया। यूसुफ ने देखा, परेशान क्यों हो गया है, कहा क्यों ना हूं, मोहब्बत से खरीदना चाहा था, खजाने लुटा दिए, तेरे पल्ले को जुम्बेश नहीं। बजाहिर तेरी जितनी जसामत है तो जैसे 20 आदमी इस खजाने के मुकाबले में तोड़ सकते थे, तेरा पल्ला हिला ही नहीं। यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा, नबूवत को दुनियावी वजन से तोड़ेगा। नबूवत को दुनियावी बोझ से तोड़ेगा। परेशान हो गए, आंखों में आंसू तैरे, कहा रो क्यों ना आए, बदकिस्मती पे खरीद ना सका। कहा मोहब्बत है मुझसे, मोहब्बत थी तो खजाने लुटाए, काफिर की मोहब्बत देख के हुज्जत को रहम आ गया। कहा अच्छा अगर यह बात है तो कागज कलम दबात ले आ, लाहौर वालों चाहे काफिर था जब नबी ने कागज कलम दबा था। खुदा की कसम मैं नहीं बोलता जिंदगी। अली मौला
ना रिवायतें मैंने लिखी। कहा